आप सबों को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग। हम लोग बीकॉम सेमेस्टर वन में एक पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और इस पेपर में एक चैप्टर है ब्रांच अकाउंटिंग। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आसान भी है। स्टूडेंट्स से एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इजीली सॉल्व हो जाता है। इसके बेसिक पार्ट को हम लोग बहुत सावधानी से समझने का प्रयास करेंगे। आइए, कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करें कि उस चैप्टर में हम लोगों को क्या देगा, और फिर उसके आधार पे हम लोगों को क्या क्या काम करना है इस चैप्टर में। तो चैप्टर का जो नाम है, फिर से देखिए, ब्रांच अकाउंटिंग। इस चैप्टर में हम लोगों को गिवन रहेगा ट्रांजैक्शंस बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच, और दूसरा ब्रांच एंड ब्रांच कस्टमर्स। मतलब एक हेड ऑफिस है, एक हेड ऑफिस है, ये गुड्स सेंड करता है ब्रांच को, और ब्रांच गुड्स को सेल करता है कस्टमर्स को। तो इन तीनों के बीच में कुछ ट्रांजैक्शंस देगा। पहला, फिर से बोले, हेड ऑफिस एंड ब्रांच, और दूसरा ब्रांच एंड ब्रांच कस्टमर्स, एंड सम एडिशनल इंफॉर्मेशंस, कुछ और भी अन्य बातें दी हुई रहेंगी। हर क्वेश्चन में ये लगभग इतना चीज देगा। फिर इसके आधार पे व्हाट वी हैव टू डू इन दिस चैप्टर, हमको इस चैप्टर में क्या काम करना। हम अपने आप से सवाल किए एक स्टूडेंट बन के, व्हाट वी हैव टू डू इन दिस चैप्टर, तो इसका आंसर ढूंढने से मिला, वी हैव टू पास एंड प्रिपेयर। हमको जर्नल एंट्रीज पास करना है और लेजर बनाना है। लेजर में सिर्फ एक लेजर बनेगा, ब्रांच अकाउंट। ये जो ब्रांच अकाउंट तैयार करेगा, बनाएगा, कौन तैयार करेगा, तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। लगभग सारे क्वेश्चन में, लगभग मेजोरिटी क्वेश्चन में हमको यही काम करना है, हेड ऑफिस के यहाँ, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में एचओ कहते हैं, हेड ऑफिस के यहाँ हमको ब्रांच अकाउंट तैयार करना है। अभी इस पेज में, इस स्लाइड में तीन बातें हैं आपके सामने। एक बार फिर से देखिए, चैप्टर का नाम है ब्रांच अकाउंटिंग। चैप्टर में देगा ट्रांजैक्शंस बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच, और दूसरा ब्रांच एंड ब्रांच कस्टमर्स, और सम एडिशनल इंफॉर्मेशंस दी हुई रहेंगी। व्हाट वी हैव टू डू इन दिस चैप्टर, करना क्या है, तो हमको जर्नल पास करके लेजर बनाना है। लेजर में ब्रांच अकाउंट तैयार करना है, जो कि बनेगा इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। एक चीज और है, जर्नल एंट्रीज बहुत रेयर केस में बोलता है आप लोगों को पास करने के लिए। आप लोग को अक्सर कहा जाता है ब्रांच अकाउंट तैयार कीजिए। जैसे कि मान लीजिए हेड ऑफिस है हमारा रांची में, सपोज कीजिए कि हेड ऑफिस हमारा है रांची में, और हमारा एक ब्रांच है मान लीजिए पटना में, तो आपको कहेगा हेड ऑफिस जो रांची है उसके यहाँ पटना ब्रांच अकाउंट तैयार कीजिए। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। इतनी हम चले मूव करें नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि चैप्टर में क्या देगा और फिर क्या काम करना है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करें हम लोग। तो हमारा जो अब नेक्स्ट स्लाइड है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसमें मीनिंग जानेंगे ऑफ ब्रांच। आखिर ब्रांच क्या होता है, ब्रांच किसको कहेंगे। तो आप सब लोग जानते हैं, अक्सर हम लोग अपने डेली लाइफ में ये वर्ड यूज़ करते हैं। हम किसी को इस तरह से कह देते हैं कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांच है। इसको थोड़ा सा हम लोग समझें अकाउंटिंग टर्म में। अ ब्रांच मे बी
डिफाइंड एज अ सेक्शन या डिवीजन ऑफ एन एंटरप्राइज। किसी भी एंटरप्राइज का एक सेक्शन या एक डिवीजन को हम ब्रांच कह सकते हैं, जो कि ज्योग्राफिकली सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बिजनेस। वो एरिया वाइज एक ही जगह पे बहुत सारे ब्रांच तो नहीं होंगे, वो ज्योग्राफिकली अलग अलग जगहों पे होंगे। जनरली कैरिंग ऑन दी सेम एक्टिविटी, ध्यान दीजिएगा, ब्रांच जो है सेम एक्टिविटी कैरी करता है एज ऑफ द एंटरप्राइज। जिस चीज़ में एचओ एंटरप्राइज मेन ऑफिस डील करेगा, उसी चीज़ में ब्रांच भी डील करेगा। एंड कंट्रोल बाय अ हेड ऑफिस, जो कि हेड ऑफिस के द्वारा कंट्रोल होता है। फिर से कह रहे, ब्रांच क्या है? तो एक सेक्शन है, एक डिवीजन है, किसी एंटरप्राइज का एक सेक्शन है जो कि ज्योग्राफिकली अलग अलग जगहों पे होता है, दूसरे बिजनेस से अलग होता है, दूसरे जगहों जो अलग, जो आपका एक ब्रांच है वो दूसरे जगह पे दूसरा ब्रांच होगा, और जो उसी तरह के जनरली कैरिंग ऑन दी सेम एक्टिविटी, उसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा जिस एक्टिविटी में आपका मेन बिजनेस इन्वॉल्व है, और ये कंट्रोल होगा हेड ऑफिस से। बहुत सिंपल टर्म्स में आप कह सकते हैं, ब्रांच जो है ना, ये असल में एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन है किसका? ऑफ मेन बिजनेस। जो आपका मेन बिजनेस है उसी का क्या है? एक्सटेंशन है इन सम अदर प्लेसेस, सम अदर प्लेसेस। जो आपका मेन हेड ऑफिस है उसी का एक एक्सटेंशन कह सकते हैं आप ब्रांच को दूसरे जगहों पे। एग्जांपल देखेंगे, बाटा शू कंपनी, आप अक्सर देखते हैं बाटा का जो शोरूम होता है वो हर शहर में है और एक ही जैसा लगभग है। तो एक जगह कहीं हेड ऑफिस है लेकिन उसका ब्रांच अलग अलग शहरों में है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, ये सभी ब्रांच एग्जाम्पल हैं। आइए हम लोग इसके एक डेफिनेशन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, ये जो कंपनीज एक्ट है 2013, उसी का सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में ब्रांच को डिफाइन किया गया है। ब्रांच ऑफिस इन रिलेशन टू अ कंपनी, मतलब ब्रांच ऑफिस जो है इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स क्या मतलब है? एनी एस्टैब्लिशमेंट, कोई भी ऐसा एस्टैब्लिशमेंट डिस्क्राइब्ड एज अ ब्रांच बाय द कंपनी। अगर कंपनी किसी एस्टैब्लिशमेंट को कहता है, वो खुद कह रहा है कि ये मेरा ब्रांच है, तो हम उसको ब्रांच ऑफिस कहेंगे उस कंपनी का, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब हम लोग, हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है ब्रांच अकाउंटिंग। तो हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग का मतलब समझने का प्रयास करते हैं। ब्रांच अकाउंटिंग क्या है? तो ब्रांच अकाउंटिंग इज अ बुक कीपिंग सिस्टम। ये जो ब्रांच अकाउंटिंग है असल में बुक कीपिंग सिस्टम है, इन विच सेपरेट अकाउंट्स आर मेंटेन्ड फॉर ईच ब्रांच। मान लीजिए कि इसको ऐसे समझते हैं, एक हेड ऑफिस है, उसके तीन ब्रांच हैं एक्स वाई और जेड। तो हेड ऑफिस जो है हर ब्रांच का रिकॉर्ड तो मेंटेन करेगा। आप खुद से सोचिए, आप ही हेड ऑफिस बन जाइए, आप ही मेन मालिक हैं, और आपके तीन ब्रांच हैं, ब्रांच एक्स, ब्रांच वाई, ब्रांच जेड, जो कि अलग अलग शहरों में हैं। तो आप क्या रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे? हर ब्रांच का करना पड़ेगा, तभी तो प्रॉपर कंट्रोल बनाए रखिएगा, तभी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। हर तरह का इन्फॉर्मेशन आपको तभी मिल पाएगा जब आप प्रॉपर वे में रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। सो व्हाट इज ब्रांच अकाउंटिंग? तो ब्रांच अकाउंटिंग इज अ बुक कीपिंग सिस्टम इन विच सेपरेट अकाउंट्स आर मेंटेन फॉर ईच ब्रांच, हर ब्रांच का जिसमें हम सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं। आइए थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि क्या नीड है, क्या जरूरत है, क्या मकसद है, क्या महत्व है ब्रांच अकाउंटिंग का। ब्रांच अकाउंटिंग का आइए हम लोग नीड जाने। नंबर वन, एज सर्टेन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच ब्रांच सेपरेटली फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड।
कहता है कि हर ब्रांच का सेपरेटली हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी जान सकते हैं ब्रांच अकाउंटिंग के जरिए, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच ब्रांच। नंबर टू, एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ ईच ब्रांच सेपरेटली, कहता है कि हर ब्रांच का हम फाइनेंशियल पोजिशन भी जान पाते हैं ब्रांच अकाउंटिंग के जरिए, फाइनेंशियल पोजिशन भी हम जान पाते हैं। नेक्स्ट, असेस द प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ ईच ब्रांच, अगर आपको ब्रांच का प्रोग्रेस जानना है, परफॉर्मेंस जानना है, तो ये आप ब्रांच अकाउंटिंग के जरिए ही जान पाएंगे। फुलफिल द ऑडिट रिक्वायरमेंट्स अंडर सेक्शन 228 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज अधिनियम एक्ट जो 1956 है उसका एक सेक्शन है 228, इसमें ब्रांच ऑडिट के बारे में बतलाया गया है। अगर कोई कंपनी है उसका जो भी ब्रांच है उसका भी ऑडिट कराना पड़ता है, तो ब्रांच ऑडिट कराना है, ब्रांच ऑडिट का जो रिक्वायरमेंट है, ऑडिट का जो रिक्वायरमेंट है ब्रांच के, उसका भी उद्देश्य फुलफिल होता है ब्रांच अकाउंटिंग से। इनकॉर्पोरेट द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द ब्रांच एंड इट्स असेट्स एंड लाइबिलिटीज इन द फर्म्स फाइनल अकाउंट, कहता है कि इनकॉर्पोरेशन में मदद करता है। जैसे कि एक हेड ऑफिस है, मान लीजिए हम लोग का हेड ऑफिस है रांची में, हम लोग का मेन बिजनेस रांची में है और तीन ब्रांच है एक्स वाई और जेड जो कि अलग अलग शहरों में है, तो हर ब्रांच का से जो प्रॉफिट आएगा उसका जो असेट्स लाइबिलिटी होगा उसके इनकॉर्पोरेशन में भी मदद मिलता है ब्रांच अकाउंटिंग के जरिए। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। एसर्टेन whether the branch is yielding a satisfactory rate of return on capital investment in it, हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारा जो ब्रांच है वो उचित सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट कमा रहा है, रिटर्न हमको उचित मिल रहा है जितना हम पूंजी लगाए हैं उसके अनुरूप। मतलब हम जो कैपिटल इन्वेस्ट किए हुए हैं ब्रांच में, उस कैपिटल के एवज में हमको जो रिटर्न मिल रहा है वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है, इस बात का को भी हम जान पाएंगे ब्रांच अकाउंटिंग के जरिए। नेक्स्ट, एसर्टेन वेदर द ब्रांच शुड बी एक्सपेंडेड और क्लोज, हम ये भी जान पाते हैं कि हम अपने ब्रांच को एक्सपेंड करें या बंद कर दें ब्रांच अकाउंटिंग के जरिए, हम डिसीजन ले पाएंगे कि उसको और बढ़ाना है या उसको बंद कर देना है। नेक्स्ट, ascertain the quality of stock held by each branch at the end of the accounting period, कहता है हम ये जान पाते हैं कि कितना स्टॉक रहेगा रखेगा हर ब्रांच के पास, कितना स्टॉक रहता है। नेक्स्ट, ascertain the amount of commission payable to the manager, मैनेजर को कितना कमीशन देना है हम इस बात को भी जान पाते हैं, इफ दैट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट, अगर कमीशन प्रॉफिट पे आधारित है तो। आप एक बार रिवीजन करेंगे समझ में आ जाएगा, अगर एग्जाम में कोई पूछ दे थ्योरी क्वेश्चन कि ब्रांच अकाउंटिंग क्या है, इसके नीड या उद्देश्य या महत्व को बताइए, तो यहाँ से आपको मदद मिल जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करें। इस स्लाइड में हमने टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, ब्रांचेस के प्रकार को बतलाया है, ब्रांचेस कितने तरह के होते हैं। तो आइए, फ्रॉम कहता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रांच को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है इनलैंड ब्रांच, जिसको कि होम ब्रांच भी कहा जाता है, और दूसरा है फॉरेन ब्रांच। ये जो इनलैंड ब्रांच है इसको भी दो कैटेगरी में बांटता है लोग, पहला कहता है डिपेंडेंट ब्रांच और दूसरा कहता है इंडिपेंडेंट ब्रांच। फिर से कह रहे हैं ब्रांच को हम दो कैटेगरी में बांटे, इनलैंड और फॉरेन, लेकिन जो इनलैंड ब्रांच है उसको दो कैटेगरी में बांटा जाता है, डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच को देखिए बहुत शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, वेयर द हेड ऑफिस मेंटेन्स ऑल द अकाउंट्स। जब इनलैंड ब्रांच में
हेड ऑफिस मेंटेन करे सारा अकाउंट को, सारे रिकॉर्ड को, तो वो डिपेंडेंट ब्रांच कहलाएगा। एक परिभाषा यहां से बन गया। और वेयर द ब्रांच कीप्स इट्स ओन अकाउंट्स, जब ब्रांच ब्रांच कीप करता है अकाउंट को, रिकॉर्ड को, तो उसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट ब्रांच। इसको हम एक चार्ट से दिखाने का प्रयास किए हैं। ब्रांच को हम दो भाग में बांटे। पहला है इनलैंड ब्रांच, जिसको कि आप होम ब्रांच कहते हैं, होम ब्रांच, और एक है फॉरेन ब्रांच। ये जो इनलैंड ब्रांच है, फिर इसको हम दो कैटेगरी में बांट दिए, डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच। इसी बात को एक ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, एक चित्र से दिखाया हुआ है। आइए बात को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जो है ये आपका है डिपेंडेंट ब्रांच। तो हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि डिपेंडेंट ब्रांच, ऐसे तो बता जान रहे हैं आप किसको कहेंगे, जब जब यहाँ देखिए, जब हेड ऑफिस जो है मेंटेन करता सारा रिकॉर्ड को, सारा अकाउंट्स को, तो उसको डिपेंडेंट ब्रांच कहते हैं। इसी बात को और थोड़ा सा हम डिटेल में चलेंगे। यही हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है, डिपेंडेंट ब्रांच। तो इसको हम लोग अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। डिपेंडेंट ब्रांच, व्हेन दी पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान दीजिएगा, पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ब्रांच आर टोटली कंट्रोल्ड बाय हेड ऑफिस। पूरी तरह से पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन पूरा पूरा जब कंट्रोल हेड ऑफिस से हो, हु ऑल्सो मेंटेन्स इट्स अकाउंट्स, जो कि उसका अकाउंट भी मेंटेन करता है, द ब्रांच इज कॉल्ड डिपेंडेंट ब्रांच। पूरा पूरा कंट्रोल हो, पूरा पॉलिसी, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जब हेड ऑफिस देखे, पूरा अकाउंट्स मेंटेन करे किसी ब्रांच का, तो वो कहलाता है डिपेंडेंट ब्रांच। ये जो डिपेंडेंट ब्रांच है, हम ये ध्यान दीजिएगा, इस ब्रांच की बात कर रही है, डिपेंडेंट ब्रांच हम बार बार कह रहे हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये डिपेंडेंट ब्रांच जो है, इसको भी हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच। एक होता है सर्विस ब्रांच, एक होता है रिटेल सेलिंग ब्रांच। सर्विस ब्रांच में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, सर्विस ब्रांच जो होगा वो बुकिंग ऑर्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ दी हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के बिहाफ में ऑर्डर बुक करता है, ऑर्डर को बुक करता है, या हेड ऑफिस के बिहाफ में ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है, सर्विस ब्रांच। आप लोगों के लिए ये वाला सेगमेंट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है आप लोगों के लिए। फिर से कह रहे, डिपेंडेंट ब्रांच में रिटेल सेलिंग ब्रांच जो है, ये हम लोगों के लिए काफी इम्पॉर्टेंट है। कहता है रिटेल डिपेंडेंट में, रिटेल सेलिंग ब्रांच में, गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एट कॉस्ट, जब हेड ऑफिस ब्रांच को कॉस्ट पे गुड्स सेंड करे। दूसरा है गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एट लोडेड प्राइस। इसमें करता क्या है कि थोड़ा सा प्रॉफिट पहले से ही बुक कर लेता है, जैसे कि 100 रुपये का सामान है, उसको 110 में भेज दिया, तो 10% का मार्जिन लेकर के भेज रहा है। इसको इनवॉइस प्राइस मेथड भी कहते हैं हम लोग। और तीसरा जो है होलसेल प्राइस है, हम एक एक करके बारी बारी से बाद में बात करेंगे। मतलब डिपेंडेंट ब्रांच में को हम दो कैटेगरी में बांट दिए, सर्विस और रिटेलिंग। रिटेलिंग मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। रिटेलिंग में एचओ जो ब्रांच को सामान भेजता है, जो गुड्स सेंड करता है, इसमें ध्यान दीजिएगा, एक तो कॉस्ट पे भेजता है, एक इनवॉइस प्राइस पे भेजता है, और एक होलसेल प्राइस पे भेजता है। आइए हम लोग थोड़ा सा अब हम लोग एक एक लाइन में जान ले कि ये रिटेल ब्रांच, ये जो सर्विस ब्रांच है, और ये जो रिटेल ब्रांच है किसको कहेंगे, इसको भी थोड़ा सा एक एक लाइन में समझ ले। सर्विस ब्रांच तो आप देख ही चुके हैं, कहता है कि दीज ब्रांचेस आर बुकिंग और एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ द हेड ऑफिस। सर्विस ब्रांच ऑर्डर बुक करेगा या ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा। रिटेल सेलिंग ब्रांच ब्रांच जो है, रिटेल सेलिंग ब्रांचेस जो हैं, ये क्या करेगा, कहता है फॉर रिटेल सेलिंग ब्रांचेस द हेड ऑफिस नॉट ओनली मेंटेन्स ऑल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बट ऑल्सो, ये जो रिकॉर्ड तो मेंटेन करेगा ही, रिकॉर्ड मेंटेनेंस तो हमने आपको कहा ही, उसके साथ साथ ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स एंड परचेज ऑल और मोस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड स्टॉक इन बल्क क्वांटिटी।
सर्विस, ये जो आप रिटेल सेलिंग ब्रांच देख रहे हैं, डिपेंडेंट ब्रांच को दो कैटेगरी में बांटे हैं, सर्विस और रिटेल। तो रिटेल में करता क्या है, रिकॉर्ड तो हेड ऑफिस मेंटेन करेगा ही, साथ साथ वो परचेज भी करता है, परचेज करेगा या मैन्युफैक्चर करेगा बल्क में स्टॉक का। आइए थोड़ा सा बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। फिर से कह रहे हैं ये इस सेगमेंट पे आप ध्यान देंगे, इस सेगमेंट पे आप ध्यान देंगे। नीचे आइए देखते हैं हम लोग, अब थोड़ा सा देखते हैं अकाउंटिंग अरेंजमेंट्स ऑफ रिटेल डिपेंडेंट ब्रांच। फिर से कह रहे हैं इसी रिटेल का अकाउंटिंग अरेंजमेंट को समझना है, ये सेगमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अकाउंटिंग अरेंजमेंट क्या है, ध्यान से देखेंगे। द अकाउंटिंग अरेंजमेंट ऑफ अ ब्रांच डिपेंड्स अपॉन इट्स साइज, साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। अकाउंटिंग जो अरेंजमेंट है हेड ऑफिस के यहाँ ब्रांच से रिलेटेड, वो उसके साइज पर डिपेंड करेगा, एक्टिविटी पर डिपेंड करेगा, मेथड ऑफ ऑपरेशन पर डिपेंड करेगा और डिग्री ऑफ कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करेगा। देयर आर थ्री मेन मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ये तीन मेन मेथड हैं, तीन फॉर ब्रांच ट्रांजेक्शंस। पहला है डेटर सिस्टम, दूसरा है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, तीसरा है फाइनल अकाउंट सिस्टम। इसमें फिर से कह दे आप लोगों के लिए, ये डेटर सिस्टम जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, डेटर सिस्टम। तो अभी तक में हम लोग जो देखे हैं, एक बार फिर से देख ले हम लोग क्या देखें। सबसे पहले हम लोग देखें चैप्टर का नाम ब्रांच अकाउंटिंग, चैप्टर में देगा ट्रांजेक्शंस बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच एंड ब्रांच एंड कस्टमर्स, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा हमको इस चैप्टर में। हेड ऑफिस के यहाँ ज़्यादातर क्वेश्चन में ब्रांच अकाउंट तैयार करना है। फिर आगे हम लोग देखे ब्रांच का मतलब, तो ब्रांच जो है डिवीजन है, एक्सटेंशन है मेन बिजनेस का किसी दूसरे जगहों पे। बाटा शू कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक इसके एग्जाम्पल हैं। एक डेफिनेशन भी दिया गया है, कोई भी ऐसा एस्टेब्लिशमेंट जो कि जिसको कि कंपनी कहता कह रहा है कि वो मेरा ब्रांच है तो हम उसको ब्रांच ऑफिस मानेंगे। नीड या इम्पॉर्टेंस ये पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जानना चाहिए क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या महत्व है ब्रांच अकाउंटिंग का। और ये पेज मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें हम ब्रांच के डिवीजन को समझे, ब्रांच को बांटे। सबसे पहले ब्रांच को बोले इनलैंड ब्रांच और फॉर इनलैंड ब्रांच और एक फॉरेन ब्रांच। इनलैंड ब्रांच को दो कैटेगरी में बांट दिए, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इसको एक डायग्राम से भी दिखाया, ब्रांच को इनलैंड ब्रांच, फॉरेन ब्रांच। इनलैंड ब्रांच को दो कैटेगरी में बांटे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। हमारे लिए ये डिपेंडेंट ब्रांच काफी इंपॉर्टेंट है, डिपेंडेंट ब्रांच को भी फिर हम दो कैटेगरी में बांट दिए, एक सर्विस ब्रांच और एक रिटेल सेलिंग ब्रांच। ये डिपेंडेंट में ये रिटेल सेलिंग ब्रांच हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम, इसमें तीन है, जब हेड ऑफिस अपने ब्रांच को कॉस्ट पे सामान भेजे, इनवॉइस प्राइस पे सामान भेजे, होलसेल प्राइस पे सामान भेजे। फिर आगे हम लोग देखे सर्विस को एक लाइन में, सर्विस ब्रांच को एक लाइन में समझने का प्रयास किए। जब हमारा जो ब्रांच है वो ऑर्डर को बुक करे या ऑर्डर को एग्जीक्यूट करे उसको सर्विस ब्रांच बोलेंगे। रिटेलिंग में अकाउंट तो मेंटेन करेगा ही, साथ साथ वो परचेज या मैन्युफैक्चर भी करेगा स्टॉक का। और ये सेगमेंट आया जो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अकाउंटिंग अरेंजमेंट्स ऑफ रिटेल डिपेंडेंट ब्रांच। अकाउंटिंग अरेंजमेंट जो है वो कह रहा है कि साइज, एक्टिविटी, मेथड ऑफ ऑपरेशन, डिग्री ऑफ कंट्रोल के आधार पर डिसाइड करते हैं। और तीन अकाउंटिंग अरेंजमेंट है, डेटर सिस्टम है, स्टॉक डेटर सिस्टम है, फाइनल अकाउंट सिस्टम है, जिसमें डेटर सिस्टम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, थ्योरी पार्ट को आप लोग अच्छे से देखें और अगर बात समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा चला करके देखें। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू टू ऑल, लाइक बने रहने के लिए।